हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको जो फुली ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन जो हमारे घरों में यूज़ मिल जाती है, उसकी जो ये गियर असेंबली होती है, यहाँ हर जगह जगह दोस्तों इसका अलग अलग नाम होता। कोई इसको बैरिंग केस बोलते हैं, कोई इसको गियर बॉक्स बोलते हैं, कोई इसको बैरिंग केस बोलते हैं, कोई इसको मैकेनिज्म बोलता है। हर जगह दोस्तों इसका जो है अलग अलग नाम हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो आज इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए होते हैं, उसको कैसे जो है हम रिपेयर कर सकते हैं, खुद ही सेल्फ इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो आइए दोस्तों इसकी जानकारी लेते हैं। और लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि दोस्तों मैंने और भी कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। गियर बॉक्स हुआ और गियर बॉक्स हम कैसे लगाएं, फुल ऑटोमेटिक एरर कोड हुआ, फ्रंट लोड हुआ, टॉप लोड हुआ, फ्रिज हुआ, एसी वॉशिंग मशीन हुआ, और या गैस गीजर हुआ, सीलिंग फैन की बैरिंग लगाने का मामला, बहुत सारे हमने और भी वीडियो अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। ठीक दोस्तों, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर इसमें पल्स सेटर लगाया जाता है दोस्तों, इससे ये तो आपको मालूम होगा। इसके अंदर जो है पल्स सेटर को जो है हम लगाते हैं, उसके ऊपर से जो है बोल्ट कस देते हैं, और ये जो हमारा ये जो हिस्सा दोस्तों इसके ऊपर जो है हम जो है हमारा जो ग्लास होता है या जिसको हम वो स्पिन टब बोलते हैं, वो स्पिन टब इसके ऊपर जो है कसा जाता है। ये पुराने मॉडल का एक गियर बॉक्स है जिसके अंदर चार बोल्ट के ऊपर जो है कसा जाता है। आजकल जो है दोस्तों चाकी वाला सिस्टम आता है जिसके अंदर हम गोल चाक्की लगा के जो है कसे, जैसे LG हुआ, वीडियो का चाक्की वाला सिस्टम आता है, ये BPL हुआ, गोदरेज जो इन मॉडल में इस तरह का जो है जो बैरिंग केज है लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है जो शाफ्ट होती है, उसके ऊपर नीचे एक तरह की सील लगी हुई होती है जो वाटर सील इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब और ये जो दोस्तों ये होती है पुल्ली होती है। ठीक दोस्तों, ये पुल्ली होती है जिसके ऊपर हम बेल्ट लगाते हैं, ये इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। उसके बाद दोस्तों ये जो आता है किर्रा, ये किर्रा और इस स्प्रिंग के अंदर अटैच होता है। ठीक दोस्तों, और ये स्प्रिंग जो है इसके ऊपर ऐसे अटैच लगी हुई होती है, ये जो लीवर होता है इसके ऊपर ये ऐसे अटैच होता है, जैसे ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो उसको ये रोकने का काम करती है, जिससे हमारी जो शाफ्ट है ये वाली जो है ये जो हिस्सा ये वाला हिस्सा ना घूमे, खाली सिर्फ ये बीच वाली रॉड ही घूमे, उसको ये लीवर जो है रोकने का काम करता है, जिससे और जैसे ही हम जो है हमारी ड्रेन मोटर चालू करते हैं, लीवर जो है पीछे की तरफ हट जाता है और जो शाफ्ट जो है ये इससे एक डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, जिससे ये डायरेक्ट ये वाली असेंबली जो है घूमने लग, ये वाला जो पार्ट है वो घूमने लग जाए, जिससे हमारा ड्रायर चलता है। भाई दोस्तों, अब इस गियर बॉक्स को हम खोलते हैं और अंदर की पूरी जानकारी लेते हैं, उसमें और क्या क्या जो है कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। तो वैसे दोस्तों मैंने इसको पूरा जो है गियर बॉक्स आपके लिए अवेलेबल किया है, आपको इसका कंपोनेंट समझाने के लिए मैंने इस गियर बॉक्स को जो है पूरा पहले से ही खोल रखा है। ठीक दोस्तों, आपको जो मैं है स्टेप बाय स्टेप सब आगे के चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारी जो पुली लगी उसका ये पीछे का जो है चेक नट खोला जाता है। ठीक दोस्तों, ये पीछे का जो है बोल्ट हम खोलते हैं, ऊपर एक वॉशर लगा हुआ प्लेट वॉशर जिसको बोलते हैं, और हम ये जो है पुली इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद ये जो प्लास्टिक का जो है किरा लगा था जो मशीन को जो है क्लॉकवाइज अंदर वाली जो रॉड है इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करता है। ठीक दोस्तों, इसको निकालने के बाद इसके अंदर एक इस तरह की जो है स्प्रिंग लगी हुई होती है जो कि ड्रायर को चलाने के लिए काम में ली जाती है, जिससे ये ऊपर वाला जो मेटल ऊपर वाला जो ये दोस्तों ये मेटल लगा हुआ आपका खोल के बताता हूँ, ऊपर वाला जो मेटल नीचे वाला मेटल को वैसे ये जो रॉड है दोस्तों अंदर से दो हिस्सों में होती है, अंदर से दो पार्ट्स में होती है, इन दोनों को कंबाइन करके स्प्रिंग टब बना के चलाने के लिए जो है स्प्रिंग काम में ली जाती है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह का इसके अंदर एक मेटल का पीस होता है जिसके अंदर जो स्क्वायर जो के अंदर से स्क्वायर शेप में होता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से ये जो हिस्सा है उसके ऊपर लगा हुआ और चढ़ा हुआ स्प्रिंग इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों के ऊपर चढ़ी हुई होती है। ठीक दोस्तों, ये इस तरह से इसके ऊपर लगा हुआ था, जब भी हमको जो है जो स्पिन टब चलाना होता है तो ये अकेले नहीं घूम सकता है, इसको इसके साथ घुमाने के लिए ये जो रॉड स्पिन में घुमाने का काम आ जिससे हमारा ये शाफ्ट इसको ये स्प्रिंग घुमाने का काम कर दिया। अगर वॉश वाले चलाने के बीच वाली रॉड है उसी वही घूमती है। ठीक दोस्तों, ये बीच वाली रॉड ही घूमती है, इस तरह से ये काम आता है। अब इसके अंदर दोस्तों सिंपली एक बैरिंग यहाँ पर लगा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हिस्सा एक बैरिंग यहाँ और एक बैरिंग इसमें, दो बैरिंग ऊपर नीचे की तरफ लगे हुए होते हैं, बीच में एक रोटर होता है जो कि इन दोनों बैरिंग्स के ऊपर घूमता है। ठीक दोस्तों, अब मैं उसको खोल के आपको दिखाता हूँ अंदर और को क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं।
तो देखिए दोस्तों, अब हमने जो है इसको असेंबली को पूरा अलग कर दिया है। एक बैरिंग इसके अंदर लगा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों, एक बैरिंग इस नीचे वाले बॉटम कवर में लगा हुआ होता है और एक बैरिंग जो है दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा इसके अंदर ही लगा हुआ है। इस तरह से दो बैरिंग लगे हुए होते हैं जिससे हमारा ये रोटर जो है बीच में जो है ऐसे रोटेट करता है। ये तो बीच वाली शाफ्ट लगी हुई होती है जिससे हमारा ये बीच में अलग अलग जो है रोटेट करता है। इसके ऊपर अगर आप LG की या वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन देखें दोस्तों, उसमें 6205 का बैरिंग लगता है ऊपर की साइड में और नीचे वाले कवर में जो है 6204 का बैरिंग इसमें लगाया जाता है। इसमें 6204 का बैरिंग लगता है। और अगर आपकी गोदरेज की या BPL की वॉशिंग मशीन है तो उसमें नीचे की तरफ 6204 लगेगा, ऊपर की तरफ 6005 नंबर बैरिंग लगेगा। और आपकी BPL की है तो उसमें अंदर दोस्तों ऊपर 6205 का बैरिंग लगेगा और नीचे जो है 6204 का लगेगा। ये हमारे पास गोदरेज की वॉशिंग मशीन का जो है बैरिंग केस है या गेयरबॉक्स है, जो भी आप कहना चाहें, उसके अंदर ऊपर जो 6005 का बैरिंग है और नीचे 6204 का बैरिंग है। तो इससे दोस्तों सिंपली हमने इसके अंदर जो हमारे पास ये मशीन जो रिपेयरिंग आई है, हमने इसके अंदर ऊपर वाला बैरिंग करा तो बैरिंग ऊपर वाला चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है आप आसानी से बैरिंग चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं दोस्तों, इसके एक पत्ती लगी हुई है, यहाँ पर तीन बोल्ट लगे हुए हैं, तीन बोल्ट खोल कर आपको सीधा पत्ती को बाहर निकाल लेना और आपको जो है बैरिंग चेंज करना। दोस्तों इसमें जो है बहुत नॉइस की आवाज़ आने लगी थी, बहुत ज़्यादा जो है मशीन आवाज़ कर रही थी। इस तरह दोस्तों कुछ नहीं, इसमें सिंपली 4-5 कंपोनेंट लगे हुए थे। आप भी आसानी से अगर कोई तरह गेयरबॉक्स या बैरिंग केज आवाज़ करता है तो आप भी उसको आसानी से जो खोल के जो है आराम से जो है इसके अंदर बैरिंग्स को चेंज कर सकते हैं, रिपेयरिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, आप इसको कैसे आसानी से जो है रिपेयर कर सकते हैं या आप भी जो है छोटा मोटा रिपेयरिंग इसके अंदर कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी हो जैसे कोई वाटर सील वगैरह ख़राब हो, नहीं मिले तो आप चाहे तो उसको तो नहीं तो पूरा नया लगा सकते हैं। बाकी इन जनरल ये जो है 90% आप खुद से ही रिपेयर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई हुई। मैं कुछ हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो बिना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, ना ही कोई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं इन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं उन व्यूअर से गुजारिश करता हूँ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। मैं इसी तरह से आपके नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि बैरिंग केज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगाई जाती है और बैरिंग केज के अंदर कौन कौन से कार कंपोनेंट लगे हुए हैं। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जो है रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपकी हेल्प भी करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको उस मशीन की तरफ ले जाता हूँ जिसके अंदर से हमने जो ये जो बैरिंग केज खोला है। तो ये देखिए दोस्तों, उस मशीन का जो मोटर है ये है, वो हम मोटर की जो है पूरी इसको डीअसेंबल करके वापस असेंबल करने जा रहे हैं। हमने इसका गेयरबॉक्स जो आवाज़ करता है उसको रिपेयरिंग किया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे जो है गोदरेज की वॉशिंग मशीन जो हम रिपेयरिंग करने जा रहे हैं, ठीक दोस्तों, उसकी ये PCB लगी हुई है। और दोस्तों मशीन का मॉडल ऑटो क्लीन जो है 55 मॉडल नंबर इसका है। और ये देखिए दोस्तों, इसका जो है ड्रम, ये उस मशीन का जो ड्रम ये है और उसका जो अंदर का हिस्सा है दोस्तों ये है। ये दोस्तों इसके अंदर से हमने जो है इसका ये देखिए दोस्तों, गोदरेज की ये वॉशिंग मशीन है, इसको हमने पूरा डीअसेंबल किया, वापस जो है असेंबल करने जा रहे हैं। ये देखिए अब जिसका जो मेन पार्ट है दोस्तों ये वाला है। ये देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ, गोदरेज की जो लाइट ऑफ होने के कारण आपको दोस्तों साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, ये जो है 5.5 kg की ऑटो क्लीन वॉशिंग मशीन है, जो प्रोडक्ट कोड इसका 4044 है। इसकी कैपेसिटी 5 फीट बात कीजिए, सप्लाई 220, मोटर जो है वॉश मोशन स्पिन मोटर जो है दोस्तों, इसमें जो इसकी मोटर की रेटिंग देखना वॉश की और स्पिन की, इसमें एक्चुअली एक मोटर लगी हुई है, इन्होंने अलग अलग दे रखी है, इसमें कोई इतना कोई मामला नहीं है। ये दोस्तों इस तरह से जो हम इसकी जो है आराम से इसका जो देखो, इसका जो है बाहर वाली बॉडी है, इसके अंदर हमने इसका गेयरबॉक्स खोला था, उसका जो ये जो दोस्तों इसका जो स्पिन टप पड़ा हुआ है इसके लिए हमने जो है इसका गेयरबॉक्स रिपेयरिंग के लिए इसको खोला है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हमने इसके अंदर जो कैसे जो है गेयरबॉक्स खोला है, पूरा रिपेयरिंग किया है। हम चाहें तो इसको दोस्तों इसको नया भी लगा सकते थे, लेकिन नया हम इसलिए नहीं लगाना क्योंकि मार्केट में ये जो गेयरबॉक्स है हमारे यहाँ जो ये मार्केट में अवेलेबल नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने गैस को पूरा डिसअसेंबल किया और असेंबल करने जा रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।
और हाँ दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड किया है वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक एरर कोड से रिलेटेड। आप पीछे वीडियो में जाइए, उस वीडियो को देख के आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। हम मैंने उसको एरर कोड के बारे में वीडियो अपलोड किया है, तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।